सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सब आपको प्रिय है, यह आपकी परख है। आप किसी को प्रिय हैं, यह आपकी पहचान है। छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हों, अन्यथा दोनों हमारे लिए बोझ ही हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसीलिए प्रयास छोटा ही सही किंतु लगातार होना चाहिए। आज का पंचांग 30 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 1:40 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 12:34 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:48 से 3:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:08 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर शाम 7:08 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 30 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार, आध्यात्मिकता और रचनात्मकता अभी आपको प्रेरित कर रही है। काम आपके तनाव का कारण बन सकता है। रोमांस के लिए समय निकालें। अधूरे रिश्ते को समाप्त कर सकते हैं। नए अवसर और आय के नए स्रोत अब दिखाई देंगे। कई व्यस्त दिनों के बाद आज आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहेंगे। घर और काम में संतुलन रखते हुए अपने काम को ना भूलें। आराम करें और मनोरंजन के लिए समय निकालें। कोशिश करते रहें, कभी विश्वास करना ना छोड़ें, कभी हार ना मानें। विश्वास रखें, आपका दिन जरूर आएगा। रुकी हुई या उधार दी हुई पेमेंट वगैरह मिल जाने से तनाव दूर होगा। आप अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखारने का प्रयास करेंगे जिसका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। दोस्तों की भावनाओं को समझते हुए उसकी गतिविधियों में सहयोग करना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अपने जीवन संबंधित बातों का अवलोकन करके जिन बातों में बदलाव लाना है उस बात में सोच विचार करना जरूरी होगा। आज अधिक से अधिक समय खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना संभव होगा। काम की जगह चल रहे विवादों को सुलझाते समय अपने अहंकार को काबू में रखना जरूरी है। पार्टनर को हो रही मानसिक तकलीफ दूर होने लगेगी। सावधानियां, किसी के बहकावे में ना आए वरना गलत सलाह अमल करना नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर होगा कि दूसरों की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें। युवा वर्ग सोशल मीडिया और फालतू बातों में ध्यान ना दें। कोई भी दिक्कत आने पर अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना बेहतर होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। नए लोगों से मिलकर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं। यौन सुख के अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीवन का सिद्धांत है, उसे ही मिलता है जो खोजता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से आज आप मुक्ति पाकर अपने परिवार और जीवन साथी के साथ रहना चाहते हैं। यह क्षण आराम आनंद और उपभोग से भरे हुए हैं। आपके निस्वार्थ प्रेम मोहब्बत और योग्यता को देखकर सब आपको सराहेंगे। अगर कोई साथी आपसे फ्लर्ट करे तो हैरान ना हो, आपका कूल और चार्मिंग व्यक्तित्व है ही ऐसा। बात करते हैं करियर की। इस वक्त मनोरंजन और आनंद आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बुद्धिमत्ता का सही दिशा में प्रयोग करें। आपका रचनात्मक और शांत स्वभाव आज आपको आराम देगा और आपको तारीफों का पात्र बनाएगा। याद रखें, कभी कभी बिगड़ते कामों को बना देती है। आज काम और घर के प्रति आपकी जिम्मेदारियां आपको थका सकती, इसीलिए
यह समय थोड़ा आराम करने का है, अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताएं। हालांकि आपका अधिकतर ध्यान आज अपने पेशेवर जीवन, क्लाइंट या सहकर्मियों पर है, लेकिन उन्हें न भूलें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। घर और काम में संतुलन बनाए रखें। बात करते हैं सेहत की। तनाव, अवसाद और मौसमी बीमारी से थोड़ा बचकर रहें। वर्तमान मौसम में अपना बचाव रखना जरूरी है। एसिडिटी की समस्या बढ़ने से सेहत संबंधी दिक्कतें शुरू हो सकती है। आज का उपाय, और थोड़ा सा गुड़ को घर के मुख्य द्वार पर रखें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।